गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ नैनीताल से। मैं रुकवादा प्याज का बैंगल होटल, तो आज मैं अपने घर रुद्रपुर, तो रुद्रपुर जाते हुए अपना अपना कॉलेज ही देखना जाऊँगा जो पंतनगर यूनिवर्सिटी है। तो आपको कैसा लगेगा मुझे बताइएगा। आपको मिलता हूँ रोड पे, ठीक है भाई। दोस्तों अब हम जा रहे हैं आपका रुद्रपुर की ओर, जो हमें विकास भाई ले जा रहे हैं। नहीं तो विकास भाई हमें ले जा रहे हैं रुद्रपुर। सो दोस्तों हम देख रहे हैं विकास भाई के साथ, हम जा रहे हैं आपका रुद्रपुर। सो अब हमें विकास भाई रुद्रपुर ले जा रहे हैं, और हमारी पूरी फैमिली पूरा बैक पैक है, मतलब जगह नहीं है इतनी। मतलब आप सोचो हम नैनीताल से जा रहे हैं, हमें बहुत बुरा भी लग रहा है, क्या करूँ, इमोशन छुपाने पड़ रहा है। ये हमारा मतलब पहला घर है, मतलब बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। मतलब हमने खेला कूदा जो भी किया, स्कूल यही हुआ, क्या करे, यही बॉर्न हुए हम लोग, चाहे मेरी बहन हो चाहे विकास हो। ये भाई हमारे विकास भाई, हेलो। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं आपको रुद्रपुर। हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ पंतनगर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है पंतनगर आपका। तो अभी मैं अभी घर जाने के लिए रुद्रपुर निकल रहा हूँ अभी थोड़ी देर पे, जो अभी आप देख सकते हो। मैं अभी लाल कुआ था, वहाँ पर शूट नहीं कर पाया, थोड़ा सा वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा था करके, मॉर्निंग टाइम था, ट्रेनें आती हैं आज। वैसे भी दशहरे के बाद लोग अपने घर जा रहे हैं, इसके बाद फिर दीपावली में आएंगे। सब कुछ देर बाद मैं आपका पहुँच जाऊँगा आपका रुद्रपुर। और ये मेरी मम्मी है जो पीछे सो रही हैं, अभी आंखें आके खुल गई, देख रही हैं ये। तो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा। यहाँ पंतनगर का रजिस्ट्रार ऑफिस जहाँ पर मैं भी खड़ा हूँ, तो मेरी सिस्टर को कुछ यहाँ पे काम है, वो यहीं सब यहीं पढ़ा करती थी। ये थोड़ी देर पर आ जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं, ये पंतनगर का रजिस्ट्रार ऑफिस। आप देख सकते हो मेरी बहन अपने कॉलेज में आई थी, तो इसके जूनियर्स ने उसको एक फ़ोटो गिफ्ट करी है, जो इसकी अभी फ़ोटो है आप देख सकते हो। उसके जूनियर का नेम क्या है? तो प्रतीक भाई, आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरी सिस्टर को आपने गिफ्ट किया है, थैंक यू उसके लिए। और आप पंतनगर वालों मेरा वीडियो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। तो जूनियाली जी, आप कुछ कहना चाहोगे अपने दोस्त प्रतीक जूनियर्स के लिए? प्रतीक बहुत अच्छा लड़का है, मजे आए उससे मिलकर, उसने मेरी काफी हेल्प की है। और बस, और पंतनगर में आके पुरानी यादें ताजा हो गई, काफी टाइम बाद आई हूँ अपने काम से। बाय। देख सकते हो हम पंतनगर के मुख्य चौराहे पे हैं। बच्चों के हॉस्टल और क्लासेस स्टार्ट होती है, और यहाँ पे स्टाफ हाउस भी है आपका लेफ्ट तरफ। वो भी मतलब यहाँ पे वातावरण तो बहुत अच्छा है आपका, ग्रीनरी है, तो उससे बिल्डिंग छुप चुकी है, वरना मैं आपको दिखा था। अभी मैं जब नेक्स्ट में मोटो ब्लॉग में आऊँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा कि पंतनगर का वातावरण कैसा है। और यहाँ पे दोस्तों सब्जी मंडी, इस जगह पे पंतनगर की सब्जी मंडी लगी हुई है। इस जगह पे दोस्तों आपका लगभग सब्जी मंडी है, और यहाँ पे शायद पूरे पंतनगर की सब्जी यहीं आती है। मतलब जो आसपास के लोग हैं, हॉस्टल से वगैरह, आप देख सकते हैं। और दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं स्कूल, जो पंतनगर के स्टूडेंट्स हैं वो आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ बच्चे आइसक्रीम भी खा रहे हैं, ये बाइक्स में भी जा रहे हैं कुछ लोग, और नए बच्चों ने एडमिशन लिए हैं वो शायद अपने नए हॉस्टल्स में जा रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा। और ये हमारे एनसीसी कैडेट्स भी जा रहे हैं उनके साथ साथ बाइक्स में। और यहाँ पे लोग जानवरों के लिए चारा ले जाते हुए, यहाँ पर नगर में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, जो आपको उधम सिंह नगर और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के बीच में है लगभग। आप यहाँ पे आ सकते हैं, आपको कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा। आपको अच्छा लग रहा होगा तो मुझे बताइएगा। ये अभी आप लोग देख रहे हैं, ये पंतनगर एयरपोर्ट है, नियर टू रुद्रपुर। यहाँ से अभी तो केवल देहरादून और दिल्ली की ही फ्लाइट्स टेक ऑफ करती है, और साथ साथ मुंबई की भी। अभी इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, बट यहाँ लोकोलाइट के लिए काफ़ी सही है। बाहर से सभी लोग इधर ही आते हैं, जो यहीं से ही जाते हैं। फ्यूचर में जाकर ये बहुत अच्छा बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है, और वेदर भी
काफी अच्छा हो रहा है, बहुत प्यारा वेदर हो रहा है आज। यहाँ सब कुछ नेचुरल है, ग्रीनरी ग्रीनरी है। पंतनगर उत्तराखंड में सबसे बड़ा ग्रीनरी फील्ड है। यहाँ पे चारों ओर बस ग्रीनरी ग्रीनरी, एटमोसफेयर काफी अच्छा रहता है यहाँ का। आप सभी जानते होंगे गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, जो गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा बनाया गया था। दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं आपका रुद्रपुर, और आप देख सकते हैं क्या शानदार नजारा है। और बगल में हमारी सिडकुल फैक्ट्री है, जो मतलब ब्रिटानिया है, फूड फैक्ट्रीज है अलग अलग तरीके से। इस तरफ को जंगल है, इसमें आम के पौधे लगाए गए हैं और आम बिकता है गर्मी को टाइम पे, अभी तो है नहीं फिलहाल। और आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं रुद्रपुर सिटी, जो मेरा घर है, द माउंटेन बोंग का या सुबासीस का। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया नजारा है आज, बहुत दिनों बाद यहाँ पे इतना खुला खुला वातावरण देखने को मिल रहा है। यह शायद मैं ही बारिश हुई होगी शायद, वरना यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बट बाकी आज नज़ारा बहुत बढ़िया लग रहा है। बस यहाँ पे आपका बस स्टेशन है ये राइट साइड को वाज पे, और ये हमारा जो लेफ्ट साइड है इधर आपका है रामलीला ग्राउंड, जो आप देख सकते हैं यहीं पे रामलीला का पाठन किया जाता है। आप देख सकते हैं रामलीला, ठीक ठीक। और दोस्तों हम चल रहे हैं किच्छा बाईपास रोड की ओर, हाँ यहाँ से मेरा घर पड़ता है ना, वो और गाड़ी अल्मोड़ा रही। सो दोस्तों आप देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं आपका कल्याणी नदी के पास। ये आपकी कल्याणी नदी थी रुद्रपुर की, इसको मेयर जी द्वारा स्वच्छ भारत के अभियान के थ्रू साफ किया जा रहा है। पर मैं दोस्तों आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे रुद्रपुर की जनता है उसे इसको साफ सफाई में आपका भी सहयोग चाहिए, केवल एक आदमी अकेले नहीं कर सकता। तो आप कृपया करके नदी में कूड़ा करकट ना डालें। दोस्तों हम खेड़ा पहुंचने वाले हैं, तो मंदिर लेफ्ट साइड में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर है, और ये हमारा खेड़ा बाजार, जहाँ पे आपको पूजा से लेके बंगाली सामान और नॉनवेज वगैरह सब कुछ मिलता है। और ये हमारा है खेड़ा का, तो मैं अगली बार आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा कि रुद्रपुर की दुर्गा पूजा कैसी होती है, जैसे आपने इस बार नैनीताल की देखी। तो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं आपका बेदी सिंह द्वार में, संत बाबा बेदी सिंह द्वार में, जैसे हम किच्छा बाईपास रोड भी कह सकते हैं अगर आपको हाईवे से नहीं निकलना है तो। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने घर की ओर। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपने घर मालवीय नगर शिमला बहादुर, वार्ड नंबर 1 में है। तो आप देख सकते हो स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई है, बच्चे बहुत सारे हैं। तो आप देख सकते हैं लोग लापरवाही से भी गाड़ी चलाते हैं, यानी कितना भी समझा दिया जाए पर लोग नहीं समझेंगे। तो स्कूल के बच्चे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे स्कूल अपनी मम्मी के साथ जाते हुए छोटे छोटे बच्चे, और यहाँ पे गाड़ी निकल गई। बस थोड़ा सा गली कंजेस्टेड है हमारी, गाड़ी पास होने में निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। हमारी अंकल जी की गाड़ी को हम हटाते कहते कहते परेशान हो गए, पर ये बहुत बेशरम है, बहुत ज़्यादा बेशरम है। आप देख सकते हैं गाड़ी ईगो स्पोर्ट्स हर समय खड़ी रहती है।
बहुत परेशानी होती है इस गाड़ी से। तो दोस्तों एक गाड़ी मैं इनको बोल बोल के कह चुका हूँ कि आप पार्किंग बना लो, पर ये रोड में ही गाड़ी करके रखते हैं, रोड कंजेस्टेड होती है। सो मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर दोस्तों। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर, ये रहा मेरा घर और आप देख सकते हैं ये बहुत दिनों बाद आया हूँ अपने घर पे। आप मुझे बताइएगा